तो बुलेटिन में सबसे पहले बात किसानों की समस्या बड़ी समस्या के साथ करेंगे। दौसा में किसान परेशान है, कभी पानी की किल्लत, कभी बिजली संकट, तो कभी फसल खराब। इस बार किसानों की समस्या बनकर आया है टिड्डी, जिसे पूर्वी राजस्थान में देसी भाषा में फड़का कहा जाता है। अधिक घास वाले खेतों में इस फड़का ने किसानों को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया है। किसानों का कहना है कि धूप के वक्त टिड्डी छांव में छुप जाता है, लेकिन सुबह और शाम के समय बाजरे की फसल को इस तरह चट कर जाता है, जिससे बाजरे के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जिसे यहाँ पर जिले के सभी उपखंडों में हल बेहाल हो गया है। और साथ ही रात के वक्त तो गाँवों में टिड्डी ने जीना मुहाल कर दिया है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी खेतों का रुख नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों को बचाव की सलाह दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब किसानों के पास सिर्फ एक ही बचाव है कि वो खेतों पर रात के वक्त लाइट जलाकर पानी में कैरोसिन मिलाएं, जिससे कि फड़का को मारा जा सके और इस समस्या का समाधान किया जा सके। बाजरे की फसल को चौपट कर दी, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहे हैं। रात को लाइट जलती है तो इतना घोर गल जाता है जिसको मतलब आदमी देख नहीं सकता, और दिन में पूरे बाजरे की फसल को चौपट कर दी। आज तक ना तो कोई कृषि अधिकारी इसको मैसेज पहुंचाया गाँव में, ना इसकी कोई रोकथाम के लिए उपाय बताया, ना कोई जिला प्रशासन ने इसका कोई आदेश निकाला। अगर ऐसा चलता रहा तो फसल का कोई नहीं रहेगा, तो कितना नुकसान है इसका? कम से कम नहीं तो 50% नुकसान तो सबसे पहले हो सकता। इतने बड़े फड़का हो गए जो आदमी देख नहीं सकता है, रात को उसको कुत्ते भी बीन बीन के खाते हैं, इतना तगड़ा फड़का है। और लाइट जलते ही इतनी भारी ताजा आ जाती है फड़का, जिसका कोई वो नहीं हो रहा अभी तक। और लगातार फर्स्ट इंडिया सवाल खड़े कर रहा है कि कैसे रुकेगा फड़के का कहर, क्यों बर्बाद हो रही है ये किसानों की फसल, टिड्डी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कृषि विभाग क्यों नहीं ले रहा है किसानों के सुध, मौके पर क्यों नहीं जा रहे हैं अधिकारी, क्या केवल नसीहत से ही बच जाएगी बाजरे की फसल? तो ये सवाल जो फर्स्ट इंडिया लगातार उठा रहा है कि क्या केवल नसीहत से ही बच जाएगी बाजरे की फसलें, मौके पर क्यों नहीं जा रहे हैं अधिकारी, ये कई तरीके के सवाल हैं जो लगातार फर्स्ट इंडिया उठा रहा है। तो देखिए किस तरीके से दौसा में कैसे रुकेगा फड़के का ये कहर, क्योंकि लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, क्यों बर्बाद हो रही है किसानों की ये फसल, और टिड्डी को रोकने के लिए क्या प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। तो ये वो सवाल जो लगातार फर्स्ट इंडिया उठा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मी, अगर बात करें यहां पर तो लगातार जो किसान है वो काफी परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है टिड्डी दल के लिए? देखिए, तानी बता देना चाहता हूँ कि जो टिड्डी दल है वो इन दिनों में जो दौसा जिले की बात करें तो बेहद मात्रा में है, चूंकि इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, तो जबरदस्त जो स्थिति है किसानों की इस टिड्डी दल ने खराब कर रखी है। इसमें जो सबसे अहम जानकारी जो बताने की है वो ये है कि ये जो कीट है, ये जो बाजरा जो फसल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल दौसा जिले के हिसाब से मानी जाती है, ये पत्तों को डैमेज करती है, यानी इसका जो भोजन है वो बाजरे की बाली नहीं होती, बल्कि जो पत्ता जो होता है बाजरे की जो लीफ होती है उसको ये जबरदस्त ढंग से खाता है, और इतनी बड़ी मात्रा में खाता है कि एक पेड़ पर जब बैठता है तो उसको पूरे पेड़ की जो लीफ है उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। परिणाम सामने ये आता है कि जो प्लांट जो है वो भोजन नहीं बना पाता, और जो बाजरे की पैदावार है वो लगभग खत्म हो जाती है, पेड़ सूखने लगता है, खराब हो जाता है। जहां तक बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उनका जिस तरह से हमने बात की अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि इसका ब्रीडिंग पीरियड है, कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही एक बचकाना बयान है, कह सकते हैं। वो बचाव का जो सुझाव दे रहे हैं जी, तो किसानों को कह रहे हैं कि खेतों पर आप बिजली जलाएं, बड़ी हेलोजन लाइट जलाएं, जिससे सारे जो टिड्डी हैं वो खेत में से निकल करके और जो रोशनी है उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उसके बाद पानी नीचे रखें। यानी कि ये इस तरह का जो उपाय या बचाव जिसे कहा जा सकता है, जो किसान नहीं कर सकता, क्योंकि हर खेत पर हेलोजन लाइट नहीं लगाई जा सकती है, हर किसान के खेत पर पानी का टैंक नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो अधिकारी हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान जिस तरह जारी कर रहे हैं किसानों के लिए, जबकि किसान जो है इस समय बेहद परेशान है,
क्योंकि बाजरे की जो बिल्कुल लक्ष्मीकांत, सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि किसान जो हैं वो काफी परेशान है क्योंकि वो काफी दिनों से मेहनत करते हैं अपनी फसल को सही रखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से टिड्डियों की वजह से किसान की जो फसल है वो खराब हो रहे हैं, आखिर यहाँ पर जो प्रशासन है वो आखिर क्यों नहीं सुध ले रहा है, आखिर क्यों सिर्फ नसीहत यहाँ पर दी जा रही है किसानों को? देखिए बिल्कुल इस बारे में जो हमने बात करना चाहा है अधिकारियों से, बिल्कुल जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि इस समय जो फसल है वो पकने की स्थिति पर है। जी लक्ष्मीकांत, आपको यहाँ रोकना चाहूंगे, हमारे साथ किसान नेता हिम्मत सिंह हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। हिम्मत सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से किसान जो है लगातार परेशान हो रहे हैं और जिस तरीके से टिड्डी दल की अगर बात करें, ये आज की पहली समस्या नहीं, इससे पहले भी इस तरीके की समस्याएं लगातार आते रह रही है, लेकिन इसके उपाय के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? देखिए मैडम, सरकार की तरफ से ये टिड्डी दल के लिए उपाय के बारे में केवल खाना पूर्ति है। हमारे यहाँ फड़का, जो टिड्डी दल के एक फड़का रोग है वो भी बहुत जबरदस्त चल रहा है जी। ज्वार बाजरे की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है जी। और अभी तक सरकार के अधिकारी केवल सर्वे कर रहे हैं, न कि इस पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसानों की फसलें सब कुछ चौपट हो चुकी है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इससे किसान जो हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं, आखिर इस तरीके के जिस तरीके से टिड्डी दल से लोग परेशान है उसकी रोकथाम के लिए विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, विभाग की तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कृषि अधिकारी बिल्कुल इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये फड़का और जो टिड्डी दल जो ये कीट कीट है ये इतना जबरदस्त प्रकोप करेगा, पूरी फसल चौपट कर चुके, पूरी फसलों को खा चुके हैं। ज्वार बाजरा, ज्वार की फसल तो बिल्कुल ही खत्म कर दी है इन्होंने। आप आज राजस्थान के पूरे जिलों में ये टिड्डी दल इधर से जब पाकिस्तान से आ रहा है, जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें बिल्कुल फसलें चौपट हो चुकी है। यहाँ जो पूर्वी राजस्थान है इसमें फड़का जो वो टिड्डी दल का एक छोटा कीट है वो भी बहुत जबरदस्त है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर टिड्डी की वजह से लगातार जो है ये कहर इसका बढ़ता ही जा रहा है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं, किसान जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं, उनकी फसलें खराब हो रही हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फसलें चौपट हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न कोई छिड़काव हो रहा है। इसकी जो बचाव के उपाय है वो केवल खाना महज खाना पूर्ति है। अधिकारी है जो केवल कलेक्ट्रेट में बैठ के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, बचाव के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिम्मत सिंह जी, क्या कृषि विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है यहाँ पर? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं, कोई किसी जिले में कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास किसानों की कि कहीं कोई जिले में कोई कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आप एक किसान नेता हैं, आप किसानों की समस्याओं से वाकिफ होंगे कि उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि काफी दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं और इस तरीके से उनकी फसलें खराब हो रही है। ये हमेशा हर साल होता है यही, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई बचाव के उपाय नहीं किए। जो टिड्डी दल का जो ये जो टिड्डी दल आता है वो पाकिस्तान से आता है, तो उसके लिए बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। और टिड्डी दल का यह कि रातों रात में लाखों कीटाणु हो जा लाखों कीट हो जाते हैं इनके। बिल्कुल, और हिम्मत सिंह जी अगर बात करें यहाँ पर तो इससे तो काफी नुकसान हो चुका होगा अब तक। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं बता रहा हूँ पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, खड़ी फसल है अभी, जब काटने लायक फसल थी उसको पूरे को चौपट कर चुके हैं ये। आखिर सवाल ये भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं हिम्मत सिंह जी कि अधिकारी जो है वो क्यों नहीं जाते हैं इसे रोकथाम करने के लिए, कोई उपाय क्यों नहीं करते हैं आखिरकार? देखिए ये दुर्भाग्य किसान का जी, जब जब ये ऐसी जो योजनाएं आती है सरकार की तरफ से, योजनाएं लागू करती है कीट के लिए, बचाव के लिए, जो हर जिले में, हर तहसील में, हर ग्राम में एक ग्राम सेवक होता है, कृषि अधिकारी होता है जी, वो केवल अपने ऑफिस में बैठ के महज खाना पूर्ति करते हैं। बिल्कुल हिम्मत सिंह जी, क्योंकि सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं किसानों के लिए, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। ये योजनाओं को पलीता है, और मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब जिले में कम से कम चार अधिकारी होते हैं जो कृषि अधिकारी होते हैं, चार होते हैं जी, लगा ग्राम पंचायत से लगा के, तहसील से लगा के, जिला स्तर पे जगह अधिकारी होते हैं जी, लेकिन मैं खाना पूर्ति करते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ के खाना पूर्ति करते हैं, सेमिनार कर लेते हैं, 10-20 किसानों को बुला के सेमिनार करके, चुनिंदा किसानों को जो उनके परिचित है उनको बुला के सेमिनार करके, और केवल मीडिया में अखबारबाजी करके बस ये मैच खाना पूर्ति है इन लोगों की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ दावे जो है वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैच खाना पूर्ति है, मैं यही कह रहा हूँ आपको
कि ये इनकी अधिकारियों की लापरवाही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं, कृषि मंत्री जी से यही मांग करते हैं कि ये जो अधिकारी बिठा रखे हैं आपने, इनके थोड़ा टाइट करिए इनको, और इनसे कहिए कि आप फील्ड में जाके इसका सर्वे करें, किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलवाए। बिल्कुल हिम्मत सिंह जी, यहाँ पर ये भी है कि क्या आपकी किसी अधिकारियों से बात हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमारे जिला स्तर पे सभी जो हमारे जो संगठन के लोग हैं वो हमेशा मिलते रहते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं। हम लोगों ने जिला स्तर पे ज्ञापन दिया, हमने ये कहा कि ये टिड्डी दल का आ रहा है जो हमारे संभावित खतरे की बात है, उसको आप बचाव करिए। जिला स्तर पे हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान में जो फड़का है उसके लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी हिम्मत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार यहाँ पर किसानों की समस्याएं जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और फर्स्ट इंडिया का ये सवाल जो है वो सामने है कि आखिरकार कैसे रुकेगा फड़के का ये कहर, और साथ ही क्यों बर्बाद हो रही किसानों की फसलें। और हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, अभी यहाँ पर किसान नेता से भी हमारी बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं उनको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो वो जो दावे होते हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से लापरवाही पूर्वक जो रवैया है उनका बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिलता है। जिस तरह से हमने बात की है, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ऑफिसर फोन बंद करके और बैठ जाते हैं, यानी उन्हें जवाब नहीं देना पड़े, उनकी जो पारदर्शिता है, उनको उनकी जो जवाबदेही है उससे बचने के लिए जो अधिकारी हैं वो अपना फोन बंद कर लेते हैं या दूसरे अधिकारी पर टालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। एक तरफ जब किसानों की बात की जाती है, सरकारें पैर भी करती हैं, हम किसान के लिए ये करना चाहते हैं, किसान के लिए वो करना चाहते हैं, जब किसान मुश्किल में होता है। लक्ष्मीकांत, आप बने रहिएगा, शुक्रिया। टिड्डी दल की वजह से किसान कितने परेशान, उनकी फसलें कितनी ज्यादा खराब हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि नसीहत दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस पूरे मामले पे अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। जिले में फड़का कीट का भय प्रकोप है, लेकिन इसके लिए हमने किसानों को इसकी सब जगह हमारे जो फील्ड स्टाफ है, सुपरवाइजर और सहायक कृषि अधिकारी, उनके द्वारा किसानों को जानकारी दी गई है कि इसमें इस दवाई क्यूनाल फास 1.5% डस्ट 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़कें, और ये काम शुरू में ही करना था। ये जैसे फड़का कीट शुरू हुआ था, सबसे प्रारंभिक अवस्था में ये खेत की जो मेड़ें होती हैं, खेत की मेड़ पे जो घास जगी होती है वहाँ से ये सर्वाइव करता है, वहाँ से उसी अगर घास के ऊपर हम इसका छिड़काव कर दें तो ये हमारी फसल पे आता ही नहीं है। और जब ये फसल में आता है, जिस समय आता है उस समय भी अगर डस्ट का छिड़काव डस्टिंग कर दिया गया तो ये कीट नियंत्रित हो गया। जिन किसानों ने इस सलाह को माना उन्होंने उसका नियंत्रण किया, हाँ इसका अभी नियंत्रण किया, और जिन्होंने छिड़काव नहीं किया उनके ऊपर उसका असर देखने को आ रहा है। अब ये एडल्ट स्टेज पे है, अब इस क्योंकि अब ये एडल्ट स्टेज पे है और ये मेटिंग करने के बाद ये स्वतः अंडे देने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा 10-5 दिन में, और फसल भी कटने की स्थिति में है, फसल भी कट जाएगी। अब इसमें किसी प्रकार का दवा का छिड़काव करना कतई उचित नहीं है। ये हो सकता है कि जहाँ पर कहीं पर एक जगह लाइट लगा दें, प्रकाश कर दें, प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है रात में उसमें, और नीचे पानी भर दें और उसमें केरोसिन वगैरह डाल के और थोड़ी बहुत दवा डाल के, और वो लाइट पर आएगा और नीचे गिरेगा, मर जाएगा। ये इस आगे फ्यूचर के लिए इसके अंडे नहीं दे पाएगा, इसके लिए ये नियंत्रण की व्यवस्था। तो किसान फड़के की समस्या से परेशान है और जनप्रतिनिधियों से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान का किसान लगातार किसी न किसी समस्याओं से प्रभावित रहता है, ऐसे में किसानों को अब उद्यानिकी बागवानी की तरफ सोच को बढ़ाना चाहिए। किसानों के मसले पर फर्स्ट इंडिया ने सांसद जसकौर मीणा से बात की। सांसद ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि जिले के अधिकारी बेपरवाह हैं, चाहे किसानों का मसला हो या कोई और, अब बदलाव करना चाहिए। राजस्थान में जो किसान है वो लगातार परेशान है, कभी पानी की वजह से परेशान है, कभी बिजली की वजह से परेशान है। इन दिनों में जो किसान के सामने जो नई समस्या आई है वो फड़का, जिसे टिड्डी कहा जाता है, टिड्डी दल जो है वो काफ़ी मात्रा में कई जिलों में, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हावी है। इससे किस तरह की परेशानी किसानों को आ रही है, लगातार जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस चीज़ को लेकर के संपर्क में हैं। हम बात करेंगे दौसा सांसद जसकौर जी से।
हम जैसे अमूमन किसान परेशान है कभी पानी से, कभी टिड्डी से, कभी बिजली से। देखिए, किसान एक ऐसी जाति है जो सदैव या प्रकृति से या व्यवस्था से या प्रशासन से परेशान रहा है। दूसरी बात यह है कि इन सब से निवृत्त होने के लिए किसान को भी मनोबल जुटाना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि वाटर मैनेजमेंट के कारण जो किसान परेशान है उसके लिए सरकारें काम कर रही हैं, और सरकारों ने जिस तरह से अब तक 70 साल में काम किया है ये उस दिशा में नहीं किया कि किसान की चिंता दूर हो। मैं सोचती हूँ कि लिंकेज ऑफ रिवर, जो नदियों को जोड़ने का सपना अटल जी ने देखा था, यदि वो सपना ये कांग्रेस की सरकार 10 साल में पूरा कर देती तो आज पूरे देश के अंदर बहता हुआ जल मिलता किसान को। लेकिन मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाती, ये होता है मन की शक्ति। किसान को भी ये समझना पड़ेगा कि परंपरागत ढंग से करी हुई खेती कभी भी सफल नहीं होती, समय के साथ उनको बदलना पड़ेगा। आज यदि अपन ये देखते हैं कि किसान गेहूँ, सरसों, जौ, बाजरा ये एक लिमिट में करने की यही उनकी आदत है, लेकिन इसकी जगह कम पानी में उद्यान की यदि सफल करेंगे तो वो 1 बीघा में 2.5-3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन मानसिकता नहीं बन रही। कुछ किसानों की मानसिकता बनी है, जैसे कोटा में बनी है, बूंदी में बनी है, सवाई माधोपुर में बनी है, लेकिन दौसा एक ऐसा जिला है जिसमें अभी तक किसान की ये मानसिकता नहीं बनी कि मैं परंपरागत खेती को त्याग कर कम पानी से उद्यान की यदि सफल होती है, जैसे आंवला, बेर, थाई एप्पल, ये सब कम पानी से पैदावार होते हैं, नींबू, अब इसकी तरफ यदि आए तो वैसे ही 2-2.5 लाख रुपए पर बीघा पैदा कर सकता है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कृषि विज्ञान केंद्रों की जो भूमिका है वो भूमिका है रिसर्च की और किसान को उन्नत करने की दिशा में। ये भूमिका दौसा में जब मैंने देखी तो वो तो खुद ही केवल वेतन भोगी बैठे हुए हैं, कोई गाँव वालों को, किसानों को किसी तरह के लाभ जो सरकारी योजनाएँ हैं उनको भी नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की चिंता की है, और मैं आपको बताऊं कि 2024 तक हम किसानों की आय को 2 गुनी नहीं बल्कि 4-5 गुनी करने की भी और बढ़ेंगे, और उसका प्रथम लक्ष्य होगा हमारा कि हम कृषि विज्ञान केंद्रों को थोड़ा जागरूक करेंगे, फिर उद्यानिकी की तैयारी कराएंगे, और जिस जगह मिट्टी पानी का परीक्षण करने के बाद जो हमारे क्षेत्र में उपज होने वाली है उसको हम उनको सजेस्ट करेंगे। आप ये देखिए, एक नई समस्या किसानों के सामने आ रही है, जैसे आपने मीटिंग में भी देखा था कि जो एक टिड्डी जो दल है वो तो कितना, ये मैंने भी देखा। आप देखिए, जब मैं महुआ का, बांदीकुई के कुछ भाग में, राजगढ़ साइड का एरिया जब मैंने विजिट किया तो डंठल खड़े हैं, एक भी पत्ता बाजरे की फसल पर नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उद्यान की विभाग का या कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा, और दूसरी बात है कि किसान ने अपने ढंग से जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन वो डंठल आज भी खड़े हैं। तो सबसे बड़ी तो प्रशासन तंत्र में उदासीनता, निष्क्रमणता, और मैं तो अकर्मण्यता कहूँगी उसको, कि ये बिल्कुल किसान के खेत पर जाकर नहीं देखते, ये अब इनको देखना पड़ेगा। लेकिन ये तभी देखेंगे जब किसान जागरूक होगा, किसान को पता होना चाहिए कि मुझे क्या मिले। पूरे हुए हैं आपकी सरकार के, तो मैं दौसा जिले की बात कहना चाहती हूँ आपको कि हमारा आंतरिक क्षेत्र आपका सिकराय का, दौसा का बहुत बड़ा भाग लालसोट, संपूर्ण लालसोट क्षेत्र, और मैं सोचती हूँ कि चाकसू में भी यही स्थिति है, तो हमारे बस्सी में भी यही स्थिति है। यदि ये किसान उद्यानिकी पे आ जाएं और उद्यानिकी को अडॉप्ट कर लें तो ये 3 साल बाद इनके बारे न्यारे हो जाएंगे, ये 2 गुनी नहीं ये 10 गुनी कमाई करेंगे। लेकिन अब ये मोटिवेशन आपका भी होना चाहिए, मैं मीडिया के बंदों से भी कहूँगी कि आप किसानों को समझाने की कोशिश करें कि ये इस भाव को लें। अब मुझे तो अभी 3 महीने मिले हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे से तो आप 12 महीने बाद पूछना कि आपने क्या किया। तो यह है सांसद जिनका कहना है कि किसानों को अब जो बागवानी खेती जो है उसकी तरफ आना चाहिए, जिससे पानी, बिजली या अन्य तरह की जो समस्याएं हैं उनसे किसान को राहत मिल सके। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा।